अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें सलामत रहें, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मैं निकल रहा हूँ अभी किसी साइड पर, इंशाल्लाह आपको जाकर देखता हूँ कि पहले कौन सी चीज़ दिखता हूँ। यहाँ मैं रुका हुआ था, ये जो जगह है इधर रुका हुआ था, और अभी जो है मैं ऊबर के ऊपर वो गाड़ी का किया हुआ है ऑर्डर, तो इंशाल्लाह गाड़ी आएगी फिर निकलता हूँ। तो आगे देखिए इंशाल्लाह क्या किस तरफ पहले निकलना है वो जाकर दिखाऊंगा। बहुत सारी जगह हैं तो देखता हूँ किस तरफ पहले जाता हूँ इंशाल्लाह। ये देखें जी सिलेंडर गाड़ी जा रही है, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब में जो है ना ये सिलेंडर ही चलते हैं। जो पाकिस्तान में वो पाइपलाइन बिछाई जाती है ना सुई गैस की, वो शहरों में ही ज़्यादा, खैर गाँव के इलाकों में तो नहीं है। तो सिलेंडर वाला काम गांव में ज़्यादा चलता है। तो ये जो है कि सऊदी अरब में इस तरह का काम नहीं है, सब सिलेंडर ही चलते हैं। सिलेंडर ख़रीद के जो है, ये सिलेंडर जो है एक पहले तो 15 रियाल का हुआ करता था बहुत साल तक, अभी जो है कि ये मिल रहा है 23 रियाल का। तो हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। ये आप दाएं बाएं का माहौल देखें अबा का, इंशाल्लाह आपको मुख्तलिफ इलाके आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ा बीच जो इनकी शहर है अबा का, उसकी कुछ मार्केटें देखें इंशाल्लाह। उसके बाद आपको थोड़ा गांव का माहौल दिखाऊंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको सऊदी अरब में जो सऊदियों के घर हैं ना, वो भी आपको घर और उनके जो मोहल्ला और किस तरह के उनके घर बने हुए हैं वो सारा माहौल भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। ये जी गांव का इलाका शुरू हो चुका है, ये दरख्त और पत्थर बड़े बड़े आप देखें, ये देखें ये ऊंची पहाड़ी सी है, ऊपर भी माशाल्लाह लोगों ने कैसे घर बनाए हुए हैं जबरदस्त, और नीचे भी जो है बीच में भी बने हुए हैं। ये तो आप देख रहे हैं ना जो गांव में लोगों के बने हुए हैं, इंशाल्लाह जो शहर में है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि किस तरह का माहौल है। ये देखें सऊदी लोग सड़कों पर जा रहे हैं, टहल महल कर रहे हैं, चहलकदमी, और माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत गांव में रोड बनी हुई है बेहतरीन। ये दाएं तरफ आप देखें सब्जियां वगैरह लगाई हुई है आदमियों ने। तो ये तो आप दही इलाका देख रहे हैं इंशाल्लाह। आपको मैं जो दूसरा दिखाऊंगा शहर वाला, वो भी आपको बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिलेगा कि किस तरह के घर बनाए हुए हैं और उनकी गलियां सड़कें बीच में किस तरह की हैं, किस तरह का माहौल है इंशाल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, आखिर तक देखिएगा इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें माशाल्लाह व्यू, सामने उधर पहाड़ हैं और इधर दाएं बाएं सऊदी लोगों के घर बने हुए हैं। सड़कें भी माशाल्लाह देखें और घर भी, और इस तरह का माहौल कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने पहले सऊदी अरब का देखा था या नहीं। ये बच्चा फूल सेल कर रहा है। ये मस्जिद माशाल्लाह बनी हुई है इधर, ये भी देखें वो बीच में जो आपको नजर आ रहे हैं ना सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं, बीच में दरख्त वगैरह भी लगे हुए हैं जैसे हमारी तरफ गांव में होते हैं, क्योंकि इधर जो है माशाल्लाह बारिशें वगैरह होती रहती हैं। अच्छे खूबसूरत घर भी माशाल्लाह बने हुए हैं, कुछ छोटे भी हैं लेकिन कुछ बड़े बड़े भी बने हुए हैं। ये दीवार जैसे देखें, ये किसी ने जैसे ज़मीन पर हमारी तरफ बाउंड्री लगा देते हैं ना ख़रीदते हैं, तो उस तरह का किसी ने किया हुआ है। रोड जो है कि ये एक ही रोड है, इसी पर ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है, लेकिन माशाल्लाह जैसे हमारी तरफ वो कारपेट रोड कहते हैं ना उस तरह की रोड है। ये पेट्रोल पंप है जी, पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में। अच्छा जी ये देखें, ये इन्होंने जो है कि दीवारें लगाई हुई हैं बीच में, शायद ये जगह खरीदी हुई है जिन लोगों ने, उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से दीवारें लगाई हुई हैं। और इस तरफ दाएं तरफ का माहौल आप देखें, मुख्तलिफ फासलों के ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं,
ये मुख्तलिफ जगहों से मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीच में कुछ नाले नूले भी हैं, ऊंची नीची जगह है ना, बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, किसी किसी जगह गारे गटे। ये देखें बीच में जो पुराने घर, जो बिल्कुल ये जो ये देख रहे हैं जो गिर चुके हैं तकरीबन, बहुत पुराने के हैं लेकिन उन्होंने रखे हुए हैं लोगों के देखने के लिए। और बाकी ये नए घर माशाल्लाह बनाए हुए हैं, वो बीच में मस्जिद भी बनी हुई है माशाल्लाह। मस्जिद तो यहाँ हर मोहल्ले में ज़रूरी है, लाजमी बनी हुई होती है ताकि लोगों को करीब से करीब जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मयसर हो मस्जिद। बाकी जो जामे मस्जिद है वो हो सकता है 2-3 मोहल्ले मिल के, वो अगर ज़्यादा आबादी है तो उधर भी जुमे की नमाज हो जाती है। ये मार्केटें हैं यहाँ गांव की, ये माशाल्लाह देखें। अगर आबादी ज़्यादा हो ना तो वहाँ भी है कि जुमे की नमाज हो जाती है, और अगर कम आबादी हो तो फिर 5 वक्त की नमाज के लिए जो है मस्जिद लाजमी होती है, वहाँ इमाम मस्जिद भी होगा मौजन भी होगा। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन का आगाज़ हो गया है, और जो मैं शहर में आपको बता रहा था ना कि सऊदियों के घर दिखाऊँगा, ये वो वाले देख लें। ये शहर में लोगों ने इस तरह गाड़ियां लोगों ने बाहर खड़ी की होती हैं, कुछ लोगों ने पार्किंग बनाई हुई अंदर भी खड़ी होती हैं। और बिल्कुल अभी सुबह सुबह का टाइम है, सूरज अभी समझ लें कि बस निकलने वाला है। और माशाल्लाह देखें परिंदे कैसे चहचहा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून माहौल है इस वक्त, क्योंकि जो है ज़्यादा जो घना शहर है ना यानी मेन, वो थोड़ा सा फासले पर है, दूर है, तो ट्रैफिक का भी इतना कोई रश नहीं है। और सुबह का टाइम होने की वजह से बिल्कुल ये जो गलियां मोहल्ले हैं ये भी बिल्कुल सुनसान ही हैं। और परिंदे माशाल्लाह कितने ज़्यादा हैं, हर तरफ चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। ये घर देखें माशाल्लाह, और बीच में देखें काफ़ी खुली सड़कें बनी हुई हैं घरों के बीच में ही, यानी ये नहीं है कि छोटी छोटी गलियाँ हैं। और इस तरह माशाल्लाह ये देखें कीमती कीमती गाड़ियाँ हैं बाहर ही खड़ी हैं, कोई किसी किस्म का ये है कि ख़तरा नहीं है कि चोरी हो जाएगी या ये वो। पाकिस्तान में तो खटका लगा रहता है लोगों का, लोगों को कहीं चोरी ना कोई करके ले जाए, घर के अंदर भी लोग खड़ी करके ख़तरे में होते हैं। यहाँ देखें माशाल्लाह सब की बाहर ही खड़ी हैं, क्योंकि ज़्यादा जिनके थोड़े बड़े घर हैं तो वो अंदर जो है कि पार्किंग बनी हुई है तो वो कर लेते हैं, नहीं तो बाहर ही खड़ी करते हैं। और सड़कें बिल्कुल खुली खुली आप देखें, काफ़ी ज़्यादा खुली सड़कें हैं। ये कुछ आदमी आ जा रहे हैं, ये मस्जिद देखें माशाल्लाह खूबसूरत। और ये जो सबसे आगे जा रहे हैं रियाज भाई हैं, मैं इन्हीं के पास इधर अबा मैं रुका हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत इन्होंने मुझे वेलकम किया और इन्हीं के पास ही मैं रुका हूँ यहाँ। ये भी यहाँ काम ही करते हैं, बांग्लादेश से हैं। ये देखें माशाल्लाह ये घर, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया जो बीच में जो ये सड़कें खुली खुली बनी हुई हैं। अच्छा ये दरख्त देखें ये वाला, ये आपने पिछली कई वीडियो में भी देखा होगा, इसके साथ मैं आपको बताया था फल भी लगता है जो वो पक जाता है फिर खाते हैं। ये अभी हम वापस रहायश की तरफ ही जा रहे हैं, और ये भाई भी जो हैं बाकी भी बांग्लादेश के ही हैं, गप शप लगाते हुए जा रहे हैं रियाज भाई के साथ, क्योंकि जो गलियां होती हैं ना तंग तंग हों तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी ये देखें इन्होंने गाड़ियां भी खड़ी की हुई हैं, फिर भी ये है कि खुला रास्ता होने की वजह से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये देखें इन्होंने ये है कि अपनी पार्किंग बनाई हुई है बाहर घर के बाहर ही। ये इन्होंने वैसे ही खड़ी की हुई है बाहर,
ये थोड़ा सा रास्ता बीच में ख़राब है, लेकिन जो मेन रोड है वो सामने है, घर के सामने। ये माशाल्लाह घर भी खूबसूरत है। ये गाड़ियाँ देखें इसी तरह इन्होंने खड़ी की। मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा था कि आप देखें किस तरह इन्होंने घर बनाए हुए हैं और किस तरह का माहौल है बाहर, इनकी गलियाँ सड़कें किस तरह की हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये मीटर है, बिजली का मीटर। यहाँ दो तरह के मीटर होते हैं, पानी वाला भी होता है और बिजली वाला भी। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये बिजली का मीटर है, और बाकी गैस तो सिलेंडर ही चलते हैं। ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है ये बिजली वाला मीटर है। ये जी जहाँ मैं रुका हुआ हूँ रहायश के ऊपर, उधर से सामने का व्यू है मेन रोड का। सामने माशाल्लाह गाड़ियाँ रवान दुआ हैं। और इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।